क्लासेस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पहला पॉइंट विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है? हमारे पास में कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र है उसकी जो परिमाप बताने वाली जो एक भौतिक राशि है उसको हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। कहने का मतलब है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र का परिमाण की जो माप है वो क्या है? विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। ये एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स क्या है? कि अदिश राशि है। अब हमारे पास में एक क्या है? एक अनियमित आकार की कोई आकृति है, इसको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया है। एक समान विद्युत क्षेत्र जो आपकी लाइनें दिखाई दे रही हैं वो है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र, उसमें अनियमित आकार की एक आकृति रख दी है, कोई पृष्ठ रख दिया है। अब उस पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो कितना होगा? कहने का मतलब है विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, इसको हम ज्ञात करने के लिए अनियमित आकार की आकृति है तो उसका क्षेत्रफल हमें पता नहीं रहता है। ठीक है, तो इस पर हम क्या लेते हैं? क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। ये एक हमने क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया और इसको हमने किसे लिख दिया? डीए से, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है? डीए। अब मैंने इस डीए को तीर का चिन्ह करके ऐसे ऊपर की तरफ लिखा, ऐसा क्यों? ठीक है, तो डीए यहां पर क्या है? क्षेत्रफल अल्पांश सदिश है। ठीक है, क्षेत्रफल अल्पांश सदिश क्या होता है इसको हम पता करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक पृष्ठ है। ये हमारे पास में कोई एक ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का ये तल है। इस तल से जो लंबवत होकर गुजरने वाली रेखा है वो ये है। तो ये आपका क्या है? जो चौक है वो क्या है? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश का मतलब है किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली रेखा। ठीक है, तो ये चौक है, इस पृष्ठ के लिए क्या कहलाएगी? क्षेत्रफल सदिश। तो यहां पर इस प्रकार से हमारे पास में कोई पृष्ठ है, इसका लंब इस चौक की तरफ ऐसे और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, इन दोनों के मध्य बना कोण कितना है? थीटा। तो इस डीए का इस ई की दिशा में जो घटक होगा वो कितना होगा? डीए कोस थीटा। ठीक है, अतः इसका इस अल्पांश से, इस छोटे से भाग से जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा? ठीक है, तो डी फाइ ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, फिर यदि हमें इस पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान चाहिए तो हम क्या कर देंगे? इस अल्पांश के लिए क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो डी फाइ ई का समाकलन क्या हो गया? फाइ ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस। ठीक है, यदि ये वाला जो पृष्ठ है वो क्या है? बंद है। इसी बंद पृष्ठ के लिए यदि हम इसको काम में लें तो यहां पर जो समाकलन का चिन्ह होगा नीचे की तरफ देखें आप, ये क्लोज इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, यहां पर हम क्लोज इंटीग्रेशन संयोजित कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, अलग अलग पृष्ठ के लिए अलग अलग कंडीशन है। इसके बाद में हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स की निर्भरता, एक तो विद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर करती है, एक क्षेत्रफल सदिश पर निर्भर करती है और तीसरा है कि ई व डी ए के मध्य बने कोण पर। अब हम चर्चा करते हैं इस प्रकार से कि हमारे पास में ये यहां पर कोई एक पृष्ठ है, उस पृष्ठ को हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा। हमारे पास में ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इसको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र है और ये हमारे पास में पृष्ठ है। तो ये विद्युत क्षेत्र, ये पृष्ठ, तो ये पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र की क्या हो गया? लंबवत हो गया। ठीक है, तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये पृष्ठ, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, ये चौक, और यहां पर विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, ये इसका क्षेत्रफल सदिश, ये तो ये विद्युत क्षेत्र सदिश और ये चौक, इन दोनों के मध्य जो बना कोण वो कितना है? 0 डिग्री। तो यहां पर जो थीटा है ई वो ए के मध्य बना कोण थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये पृष्ठ है, इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तब उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ई ए, यानी कि अधिकतम होगा। क्यों? क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान कितना होगा? 1, इसका मान हो गया 1, तो बचा क्या होली? ई ए, तो ई ए यानी कि थीटा का मान यदि आपने अधिकतम रखा है तो फाई ई का भी मान आपको क्या मिलेगा? अधिकतम मिलेगा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू ई ए, अधिकतम मान। अब हमारे पास में मान लेते हैं कि एक कोई एक अन्य
वर्तागार आकृति है, अब अन्य कोई वर्तागार आकृति है ये वाली, ये आपका विद्युत क्षेत्र है और इसका ये वाला जो तल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करते हैं इस कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र और हमें ये देखना है कि ये जो आपको पृष्ठ दिखाई दे रहा है वर्ताकार, इस वर्ताकार पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, इसको हमें बताने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इससे कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। यदि विद्युत बल रेखाएं एक भी नहीं गुजर रही है तो कितना होगा, शून्य होगा। तो हमारे पास में ये विद्युत क्षेत्र, ये वर्ताकार पृष्ठ इस प्रकार से इस रख दिया, तो आप बताएं इसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, तो आपका आंसर है सर कुछ भी नहीं, जीरो। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा। दूसरा, यदि हम इसको मैथमेटिकली ढंग से देखें तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, ये चौक, क्योंकि इस पृष्ठ से लंबवत अवरूप देने वाली लाइन है, ये चौक इस प्रकार से, और ये विद्युत क्षेत्र ये, तो इन दोनों के मध्य जो बना कोण कितना है, वो कितना है, थीटा इक्वल टू 90 और कोस 90 का मान कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो यहां पर कोस थीटा, थीटा इज इक्वल 90 और कोस 90 का मान जीरो, जीरो को ई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई ई का मान कितना हो गया, जीरो, जो कि फाई ई का यानी विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब यहां पर देखें आप, यहां पर ये हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली लाइनें हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और अब इस पृष्ठ को, यानी कि हमें तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो इसमें देखना है कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, इस कंडीशन में अधिकतम। अब इसको मैं धीरे धीरे ऐसे इसको नीचे की तरफ करूं, ठीक है, तो इससे होकर जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या धीरे धीरे क्या होती जाएगी, लगातार कम, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जीरो। तो किसी एंगल पर झुका देते हैं इसको, किसी एंगल पर इस प्रकार से झुका देते हैं इसको, इस प्रकार से झुकाने पर इसका जो ये क्षेत्रफल सदिश है ए, वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा, जो कि आपको डायग्राम में भली भांति दिख रहा है। अब यहां पर आप देखें कि ई और ए के मध्य बना कोण कितना है, थीटा, तो इस कंडीशन में झुके हुए पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस सूत्र की सहायता से, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की, तो मात्रक देखें पहले, विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्षेत्रफल है, इसका मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, या इसका दूसरा मात्रक है वोल्ट इंटू मीटर। क्यों, क्योंकि जो आपके पास में जो विद्युत क्षेत्र है ई, इसका अन्य मात्रक होता है वोल्ट बट्टा मीटर, गुणा क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो वोल्ट इंटू मीटर। फिर इसकी विमा लिखने के लिए पहले आप देखें न्यूटन की विमा, फिर क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर, फिर कूलम की विमा टी वन ए वन, दोनों को कैंसिल करके जो भी बचा ये, इस प्रकार से इसकी क्या होगी, विमा होगी। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास में कोई एक बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ हम मान लेते हैं बेलन के रूप में, बंद पृष्ठ हम किसके रूप में मान लेंगे, बेलन के रूप में मान लेंगे, और उस बेलन को हम एक एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रख देते हैं, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है और ये आपके पास में बेलन है, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से आपने रख दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि इस बेलन के कितने पृष्ठ हैं, तो इस बेलन के तीन पृष्ठ हैं, एक दो और एक वक्राकार, यानी कि दो तो वर्ताकार और एक क्या है, वक्राकार, ठीक है। तो अब आप देखें यहां पर जो वर्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश का मतलब है ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से एक लंब तो आपको रेखा खींचने का, काल्पनिक रेखा, तो रेखा किस प्रकार से खींची जाएगी, ऐसे, और ये चौक इधर है तो ऐसे। तो ए सदिश या डीए सदिश, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी यहां पर क्या है, ये, तो डी ए और ई इन दोनों के मध्य बना कोण क्या है, थीटा बराबर जीरो डिग्री। अब यहां पर इस पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश यानी कि इस पर लंबवत रेखा खींचनी है तो वो इधर खींची जाएगी, यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है, इधर, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये और क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन ये, तो दोनों के मध्य बना कोण कितना है, पूरा 180 डिग्री, जो आप डायग्राम में देखें, यानी कि ई डी ए दोनों के मध्य बना कोण कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं क्षेत्रफल अल्पांश, और उस पर हम उसका क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करें तो उस पर एक काल्पनिक रेखा खींचनी पड़ेगी जो ऊपर की तरफ होगी इस पृष्ठ के लंबवत, ठीक है। तो इसका डीए सदिश ये वक्राकार पृष्ठ के लिए और उसका विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन ये, तो दोनों के मध्य बना कोण कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब यहां पर हमारे पास में तीन पृष्ठ हो गए, इस बेलन को तीन पृष्ठ में बांध दिया, एक एस वन एस टू एस थ्री, पहले एस वन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, एस टू से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और एस थ्री से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो S1, तो अब इस पूरे बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो पहले हम इस S1 पृष्ठ के लिए देखें, सूत्र लगाएं, EDA cos थीटा, थीटा यहां पर क्या है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का cos 0 का मान होता है 1, तो क्या बचा, फाइव का मान EA। S2 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स,
तो एस टू प्रिस्ट ये मान लिया आपने, एस टू थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, सॉरी थीटा का मान कितना है 180 डिग्री। तो ई डी ए कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 2 इज इक्वल टू माइनस ई डी ए। फिर एस थ्री प्रिस्ट ये आपका जो वक्राकार भाग है ये, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, तो इससे गुजरने वाला कितना है ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितना है 90, तो ई डी ए कोस 90, कोस 90 का मान होता है 0, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है 0। तो अब इस पूरे बैलेंस से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, तो हम फाइव वन फाइव टू और फाइव थ्री तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ठीक है। तो ऐड किया, ऐड करने पर इसका मान कितना आ गया 0। कैसे किया ऐड, फाइव वन और फाइव टू ये प्लस ये माइनस ये, तो इससे क्या हो गया कैंसिल, और ये क्या 0, तो ऑलरेडी तो इसका मान कितना आ गया 0 ठीक है। अतः क्या स्पष्ट है, किसी बंद प्रेस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा 0 होगा ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि उस बंद प्रेस के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होना चाहिए। इस लाइन को आप दोबारा सुने कि आपके पास में एक एक समान विद्युत क्षेत्र है, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में आपने कोई एक बंद प्रेस रख दिया और उसमें कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो उस कंडीशन में उस बंद प्रेस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा 0 होगा ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए विद्युत फ्लक्स का, और इसकी जो नॉर्मल थ्योरी है वो आपको याद होनी चाहिए, और इस पे आप न्यूमेरिकल इस पे आप करें। थैंक यू।